नमस्कार दोस्तों, गुरु टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ डेल इंस्पिरियन 15 3511 का लैपटॉप है, उसमें ऑडियो इशू कैसे सॉल्व करना है। अगर जो आपके लैपटॉप में ऑडियो आवाज़ सही नहीं आ रही है, वॉइस सही नहीं आ रही, आप कॉलिंग करते हो आपकी आवाज़ आ नहीं रही है, माइक नहीं चल रहा है, सो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। सो हमारा डेल इंस्पिरियन 15 3511 का लैपटॉप है, कोर आईफाई का लैपटॉप है। सो उसके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, ऑडियो का इशू कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है डेल ड्राइवर डाउनलोड। सो आप जैसे ही टाइप करोगे उसके बाद आपके सामने इस टाइप का लिंक ओपन हो जाएगा। सो उस लिंक पे जो पहले वाला लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक कर देना है। आप लिंक पे जैसे क्लिक करोगे सो आपके सामने कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, व्हिच प्रोडक्ट कैन वी हेल्प यू विद, यहाँ पे आपके लैपटॉप को आइडेंटिफाई कर रही है ये साइड, इससे बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई अगर कर लेती है तो यहाँ पे आपका लैपटॉप शो होने लगेगा, आपके लैपटॉप का मॉडल शो होने लगेगा। सो वो यहाँ पे हो जाएगा। अगर इनकेस समझो नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, सो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, यहाँ पे आप डेल का सीरियल नंबर डाल सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिंपली बिना टाइम वेस्टेड किए मैं मेरे लैपटॉप का सीरियल नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मुझे याद था या मैंने निकाला था। इसमें लैपटॉप पे बैक साइड में ये सीरियल नंबर होता है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। सो सिंपली सीरियल नंबर डालने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ये हमारा डेल इंस्पिरियन 15 3511 का लैपटॉप है। तो यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट भी साइट से अपडेट कर सकते हो, अगर जो ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ से मैन्युअली फाइंड ड्राइवर पे क्लिक करके यहाँ पे ये सारे ड्राइवर आप मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो मैन्युअली। यहाँ पे अगर विंडोज 10 है या फिर आपके लैपटॉप में विंडोज 11 है उस हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखो सारे ड्राइवर शो कर रहे हैं। अभी यह समझो ऑडियो का इशू है, सो ये ऑडियो का ड्राइवर है, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। सो अगर जो यहाँ से आप बाकी के सारे ड्राइवर शो करवा सकते हो। सो अभी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये ऑडियो का ड्राइवर है, मैं सीधा सिंपली जाता हूँ, आप देखते रहिए, मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ड्राइवर डाउनलोड साइट का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वहाँ से आप डायरेक्टली सिंपली क्लिक करके सीधा ड्राइवर डाउनलोड के ऑप्शन पे पहुँच जाओगे। सो ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो यहाँ पे ऑडियो का ड्राइवर ये वाला है, लिखा हुआ है रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो। सो यहाँ सिंपली उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये वीडियो मैं सिर्फ इस पर्पज से बना रहा हूँ कि आप लोगों के लैपटॉप में जो इशू है, सो इधर उधर बिना भागे कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मेरे लैपटॉप का स्पीकर ख़राब हो गया या माइक ख़राब हो गया, तो वो कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे ड्राइवर के इशू की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। सो सिंपली आपको ड्राइवर डाउनलोड करके अपडेट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। सिंपली अभी ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे बस सिंपल सिंगल क्लिक में आप कर सकते हो। ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है, हमें रिस्टार्ट करना होता है। अगर जो आप कुछ काम कर रहे हो रिस्टार्ट नहीं करना है तो ये चेक हटा देना है उसका, और लैपटॉप आपका रिस्टार्ट नहीं होगा, अदरवाइज ये क्लिक रहेगा, आप फिनिश करोगे तो लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा। सो रिस्टार्ट करना कंपलसरी रहता है, रिस्टार्ट करोगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, वो ड्राइवर प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। सो मैं भी रिस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रिस्टार्ट करने के बाद ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।